वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज दिन है हमारा वेंसडे और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 1 बजे का और हो गया मेरे इंस्टीट्यूट का टाइम और मैं जल्दी जल्दी भाग रही हूँ इतनी शदीद गर्मी में। मुझे पैदल इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, बहुत अफसोसनाक बात है। खैर जल्दी से इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं और मैं दुआ कर रही हूँ कि वैन वाले अंकल ना आए मेरे पहुँचने से पहले, क्योंकि मुझे लेना है गन्ने का शरबत जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। तो जल्दी से निकलते हैं। आप लास्ट तक ब्लॉग देखना, चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब, बेल आइकन लास्ट में प्रेस कर दीजिए। हियर इज गन्ने का शरबत जी। तो अभी स्टार्ट हो गया मेरा लंच टाइम और लंच में है मेरे पास और मानो मेरे बैग से मैं खाना निकालना चाहिए जो कि मेरी नहीं है, सर की है, लेकिन मैंने ले ली और है दिखाऊँ ना, और है मखाने। और ये मखाने का सीन ऐसा है कि जल्दी जल्दी मैंने इनको रोस्ट किया और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मेरे पास जो जार पड़ा हुआ था मैं उसी में डाल के ले आई। अम्मी ने धो के रखा था मसालों वाला, अम्मा देखेंगी अब जलील करेंगी। ओके जी, घर में आ गई हूँ, नन्ना के घर में आई हूँ और मुझे जाना है एक और जगह, लेकिन अब पत्नी में आ कर फ्री हो के फिर जाऊँगी, ओके जी। तो नन्ना के घर से मैं आ गई थी और मैंने जैसे कि कहा था कि मुझे एक जगह जाना है, मैंने रास्ते में देखा था कि एक न्यू जगह जो है वो खुली लांडी में, ठीक है, उसका नाम है वुडन पिज़्ज़ा। और वहाँ के मैं जो है वो प्राइजेस वगैरह लेकर आई थी सारी चीज़ों के, तो बड़े यूनिक यूनिक से मुझे पिज़्ज़ा वहाँ पर मिल गए। एक पिज़्ज़ा का जिसका मुझे नाम याद रह गया वो था कुल्हाड़ी पिज़्ज़ा या कुल्हाड़ी पिज़्ज़ा। तो आज जो है वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं वहीं पे उसका रिव्यू कर लूँ अगर वहाँ रश नहीं हुआ और वहाँ पे लाइटिंग सही हुई, वरना हम जो है घर आके रिव्यू करेंगे और देखते हैं, होपफुली हमें मिल जाए। क्योंकि इससे एक दफ़ा पहले भी मैं एक और जगह का रिव्यू करने गई थी लेकिन वो शॉप बंद थी, हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है। ये रहा हमारा कुल्हड़ पिज़्ज़ा, ये रहा मेन्यू जिनमें से हमने ऑर्डर करना है ये वाला पिज़्ज़ा। ओके जी, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, कैमरे में देखिए फॉरन में घुमा लिया, तुम भी कैमरे में देखो। हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और इन्होंने कहा कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर आप जब मेकिंग स्टार्ट करें तो आप मुझे बुला लीजिएगा, अगर ये ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हम देख भी लेंगे कि किस तरह से जो है वो कुल्हड़ पिज़्ज़ा बन रहा है, और अगर नहीं बुलाते तो कोई नहीं, हम सिर्फ टेस्ट का रिव्यू कर लेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सही पर टाइम लगने वाला है पूछे गर्मी में, चलो खैर कोई नहीं होता। हमारे पिज़्ज़ा बनने में थोड़ा सा टाइम है तो हम लोगों ने लिमका ले लिया। वैसे मैं ये सब पीती नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ गन्ने का शरबत गर्मियों में, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन ये लोग पी रहे हैं और बाबा बेचारे गर्मी से परेशान, बाबा को दाना भी खा लेकिन हमें लेकर आ गया। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं इसकी मेकिंग देखकर, पूछे तू जा पहले, और मुझे सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे कुल्हड़ रखे हुए हैं काफ़ी सारे, ये जो है ये इसके अंदर बनता है और ये शायद अंदर गया हुआ भी है, ये डो है, ये डो है और ये इसका सॉस है, सॉस ही है ना ये। और यहाँ पे जो है फ्राई कर रहे वेजिटेबल्स और यहाँ पे रखा हुआ है चिकन, आई गेस ये कुक हुआ हुआ है या सिर्फ मैरिनेट हुआ हुआ है, और वो रही चीज़, ठीक है। बाकी जो है हेयर कुल्हड़ और ये गर्म हो रहा होगा ना कुल्हड़, ये ठंडा है, ये ठंडा है, अच्छा सही सही। ये डो पका हुआ है, हाफ पका हुआ है ना, हाफ ये पका हुआ है, अभी जो है ये इसके बाद हाफ और पकेगा, इसके अंदर जो है बाकी सारी चीज़ें डल रही है। और यहाँ पे जो है अंदर आग वगैरह चल रही है चिमनी, और यहाँ पे इन्होंने सेट किया हुआ है, आई गेस ये मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या है, बहरहाल मैं दिखा रही हूँ। इसके अंदर जो है जा रहा है चिकन और चीज़, और ये एक और वाइट सॉस है ना, ये और इसकी प्राइस है 230, बस ये हो गया और इसके अंदर अब जाएगा ये। अब ये कितनी देर और कुक होगा भाई? 5 मिनट। 5 मिनट में ये पक जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके अंदर एक और दफा जाएगी चीज़,
उसको ऊपर बिल्कुल चीज से कवर कर दिया। मोज़रेला चीज है ना? नहीं, मोज़रेला अच्छा होता है। अच्छा होता है मोज़रेला चीज से। और भाई इसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले आप? स्पाइसेस सॉस में नहीं होता है, सॉस में होता है जैसे चिली फ्लेक वगैरह। वो अगर डालना हो एक्स्ट्रा तो डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा अगर डाल सकते हैं डाल दें, थोड़े से स्पाइसी से बनाएंगे। इसके अंदर ऑन डिमांड हमने थोड़े से मसाले वगैरह करवा लिए हैं। थैंक यू सो मच भाई। बस ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा और उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे। थैंक यू, जजाक अल्लाह भाई। अब हमारा पिज्जा बन गया है, अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके खाएंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट्स का थोड़ा सा स्टार्टअप है, कोई चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं घर जाके। ओके जी, अब हम इसको ज़रा ऊपर से खोलते हैं, पहले ज़रा इसकी शक्ल देख लें। गुड, सही है, मतलब अच्छा लग रहा है देखने में अभी फ़िलहाल। जब इसको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। इसके ऊपर पिज़्ज़ा जो है वो भी बड़ी अच्छी, लेकिन मुझे फोक दूसरे ला दो क्योंकि टूट जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। और ये काफ़ी हद तक के हो गया है। चलो भैया अभी इसका जल्दी से जो है वो रिव्यू करते हैं। इसकी ऐसी शक्ल है और ये इतने बॉक्स में, इतने उसमें आया कुल्लड़ में 230 का, विच इज़ बट अगर टेस्ट अच्छा होगा तो फिर देखते हैं। जी अब जो है वो मैं इसका रिव्यू स्टार्ट कर रही हूँ कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका वैसे चीज़ वो तो आया नहीं चीज़ पर, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ रहा है पिज्जा से। आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी और मिर्च होनी थी, लेकिन इसका टेस्ट प्राइस के हिसाब से बहुत सही है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी सही है। तो 30 के हिसाब से सही है। इसके अंदर जो सॉस है ना, अभी नज़र आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, इसके अंदर सॉस ज़्यादा भरा हुआ है मटेरियल से फिर भी, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हाँ खा सकते हैं क्योंकि टेस्ट में अच्छा है और थोड़ा यूनिक भी है। पिज़्ज़ा से तो अच्छा है। तो मुझे, मेरे पास चिकन का एक भी पीस नहीं आया, मैं इसका थोड़ा सा चिकन भी टेस्ट करूँगी कि ये है कैसा। अच्छा लेकिन अगर इसमें, हाँ एक और बात थी, अगर इसमें थोड़ी सी चीज़ और होती तो और ज़्यादा मज़े का होता ही है। भाई इसमें चिकन का पीस कहाँ है, अंकल ने सामने तो डाला था। चिकन ढूंढने में थोड़ी सी स्ट्रगल लग रही है मुझे। हेयर मेरे हिसाब से सही है, अब मैं लोगों को टेस्ट करवाती हूँ। जी तो सबसे पहले मैं मम्मी को टेस्ट करवाती हूँ। मम्मी आप टेस्ट करें क्योंकि इसके पैसे टू बी ऑनेस्ट मम्मी नहीं दिए थे अभी हमें पकड़े तो कुल्लड़। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली थी, मेकिंग हमने की, मेकिंग की वीडियो हमने बनाई है तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। इसको नीचे करने से रोटी के पीस नहीं है, डो है। उन्होंने कहा था हाफ डो उन्होंने कुक किया है। आप जल्दी से बस अब बता दें कि कैसा बना है। टेस्ट तो करने दो। इसमें चीज़ थोड़ा सा और होना था, है ना? बेहतर है। ओके जी तो हमारा जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह हमने खा लिया, अब जो है वो है बारी रात के खाने की। तो रात का खाना आज मैं बना रही हूँ, रात के खाने में है, खाने में है कबाब, आलू के कबाब, ठीक है, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी जो कि नहीं डलती लेकिन मैं खा लूँगी। ओके जी अब हो गया हमारे खाने का टाइम। हियर इज़ माई प्लेट, मेरे प्यारे से हाथों से बने हुए प्यारे से कबाब। ओके जी तो मैंने जो है, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने अपने फेस पे जो है एक फेस पैक लगाया हुआ है, जिसकी टिप मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में करूँगी शेयर। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हमारा ब्लॉग होता है एंड आई होप यू लाइक इट। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, गन्ने का जूस पिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेट, आपकी डिहाइड्रेट हाइड्रेट रहे और क्या रहे, और
बॉडी हाइड्रेट रहे और अच्छा होता है गन्ने का जूस। बस मुझे इतना पता है क्योंकि मैं भी पीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी पी रही हूँ, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है गर्मी में भी और वैसे भी। और स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जो भी चीज़ें हैं वो अप्लाई करें, मुल्तानी वगैरह जो कुछ भी है, चावल का आटा। और ब्लॉग ख़त्म हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।